हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज का टॉपिक्स है 10 सेफ्टी टिप्स व्हेन कुकिंग विद किड्स। बच्चे के साथ आप खाना बनाने के टाइम पे क्या सुरक्षा लेना है, क्योंकि आप सुरक्षा नहीं लेगा तो बच्चा कहीं पे भी दुर्घटना हो सकता है। तो वो 10 जो मेन टिप्स है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक्स पे। तो ये फर्स्ट आपका जो है, बच्चों को सुपरविजन में रखना है, सुनिश्चित करें हर समय वयस्क का पर्यवेक्षण में रखना है। तो आप जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे आपको हमेशा पर्यवेक्षण में रहना पड़ेगा। तो बच्चों कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या है, तो ये सारी चीज में आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बच्चे का हाथ धोने का जो महत्व है उसको सिखाइए। हाथ धोने से क्या होता है, कोई भी खाने का जो टच करता है तो उसको पहले वो महत्व सिखाइए, क्या होता है क्या नहीं होता है। तीसरा है, जब तक बच्चे बड़े ना हो और कुशल ना हो, उन्हें स्वयं चाकू का उपयोग ना करने दें, क्योंकि चाकू का इस्तेमाल करने से कहीं भी बच्चों का हाथ कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों का उसी से सावधानी से रखना पड़ेगा। चौथा है, बर्तन और तवे का स्टोव का ऊपर ऐसी जगह में रखिए जो हैंडल से उसमें दूर रहे। तो ऐसे आपको प्रॉपर प्लेस में रखना है, जहाँ बच्चे इजीली वो हाथ लगा ना दे, उसमें गिर ना जाए, तो वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, क्लीन योर किचन, अपने रसोई को साफ करके रखिए, क्योंकि अगर ऑयल स्पिलेज है, कहीं पे भी ऑयल पड़ रहा है सकता है, तो बच्चों गिर सकता है। तो खाने का चीज है तो नीचे गिरने से वो बच्चों गिर सकता है, तो ये आपको जो रसोई है उसको एकदम क्लीन अप करके रखना है। चौथा पॉइंट है, अगर बच्चों कोई चीज अगर वो चख रहा है, कोई चीज मुंह में ले रहा है, तो ये रूल्स बना के रखिए, जो बच्चे अगर कोई भी चीज मुंह में डाले तो पहले आपको पूछना चाहिए। तो ये रूल्स को एस्टेब्लिश करना है और बच्चों को ये बता के रखना है, ठीक है। सत्वा है, सत्व ना क्या, डोंट प्ले विथ फायर। बच्चों को आग से खेलने का टेंडेंसी रहता है, तो आग से खेलने के लिए पूरा माना करना है, और आग से लेके खेलने के लिए आपको वहां पे बच्चों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना है। अष्टम है, हमेशा आपको पॉट होल्डर को इस्तेमाल, क्योंकि जो पॉट होता है वो गर्म रहता है, तो हमेशा पॉट होल्डर को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चों को हीट लगने का चांस रहता है। तो इसीलिए हमेशा हॉट पॉट होल्डर को आपको इस्तेमाल करना है। टिप्स नंबर 9, एडुकेट अबाउट द अप्लायंस। घर में जो रसोई में जितना जो रसोई का अप्लायंस रहता है, जो बर्तन रहता है, सारी चीज़ रहता है, तो उसमें कौन सा चीज़ कैसे उपयोग करना है, क्या उसको इस्तेमाल है, तो ये बच्चों को सिखाइए। 10th पॉइंट क्या है, ना घर में जो टीवी है, फोन, रेडियो और खिलौना का जो टॉयज है वो आप रसोई में मत रखिए, तो इसको बहुत सारा डिस्टर्ब होता है, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम होता है, तो कोई भी समाज एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 10 टिप्स आप आपका बच्चों को देंगे और बहुत सारा मेंटेन करके रखेंगे, तो बच्चों कोई भी एक्सीडेंट होगा नहीं, कोई भी दुर्घटना होगा नहीं। तो आज तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।